तो चलिए अब हम लोग प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ जाते हैं। गॉस लॉ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगा आज हम लोग करते हैं, ठीक है। ए चार्ज ऑफ 4 × 10⁻²⁰ -8 कूलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इट इज कवर्ड बाई ए इट इज कवर्ड बाई ए कॉन्सेंट्रिक हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। इसको ए लिखिए, इसको बी लिखते हैं। ये चार्ज ऑफ क्वेश्चन से बड़ा है, आंसर कोई ऐसा नहीं है, बहुत टफ है, बहुत आसान आंसर है इसका। ये चार्ज ऑफ 6 × 10⁻⁸ कूलम इज प्लेस्ड ऑन द हॉलो स्फेयर फाइंड द चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द हॉलो स्फेयर। ठीक है, क्या है, समझ में आ रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देख ले रहे हैं क्वेश्चन को। ए चार्ज ऑफ 4 × 10⁻²⁸ कूलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन ए स्फेयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इट इज कवर्ड बाई ए कॉन्सेंट्रिक हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये भी सही है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, बी में आ जाते हैं। ए चार्ज ऑफ 6 × 10⁻²⁸ कूलम इज प्लेस्ड ऑन द हॉलो स्फेयर फुल स्टॉप। फाइंड द चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द हॉलो स्फेयर। ठीक है, तो ये आपको खोजना है। कैसे करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे क्वेश्चन को अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आएगा, सवाल भी बहुत आसानी से बनेगा। सवाल सिर्फ बड़ा है, क्वेश्चन आंसर बहुत हल्का है। ठीक है, चलिए सबसे पहला चीज ये बोल रहा है कि चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁸ कूलम जो है आपका ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है किस पे, एक
रेडियस एक सेंटीमीटर का स्फीयर है उस पर इतना चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होने सरफेस ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस एक सेंटीमीटर, उसके सरफेस पे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट इज कवर्ड बाई ए कॉन्सेंट्रिक हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी कि उसके चारों तरफ एक 5 सेंटीमीटर का एक हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर भी लगा हुआ है। तो देखिए सबसे पहली चीज एक छोटा सा मानते हैं, इसको मानेंगे 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, और इसको मानेंगे आगे में जो यहां से यहां तक लगा हुआ है उसको मानेंगे 5 सेंटीमीटर का, यानी को कितना सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। चलिए फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर जो यहां से होगा वहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालने का है, ठीक है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा कि हमको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस बना देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस चलिए बना देते हैं, उससे पहले ये जो चार्ज है 4×10⁻¹⁸ वो क्या है इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस एक बना दिए हम। अब क्या करना है कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालिए चाहे कहीं और निकालिए, ये पूरा को हम लोग क्या करते थे गॉस लॉ के हेल्प से हम लोग क्या करते थे इंटीग्रेशन कर देते थे। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डीएस इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट हम लोग कर देंगे। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसका बाहर साइड में, सरफेस एरिया इसका बाहर साइड में, तो ई डी एस कॉस जीरो, चार्ज इनक्लोज्ड इसके अंदर में कितना होगा, जो इसका चार्ज है अंदर में 4×10⁻¹ बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा कॉस जीरो का वैल्यू तो एक, ई तो कांस्टेंट है सब जगह, ई कांस्टेंट है तो ई तो बाहर निकल जाएगा, अंदर में इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स इज इक्वल टू 4×10⁻¹ बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ई इंटू इसका एरिया टोटल कितना है 4πr², यानी कि 4π और r के जगह पे क्या लिखेंगे 2 सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे ना, 10⁻²² का स्क्वायर 4πr² इज इक्वल टू 4×10⁻¹ बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं e का वैल्यू कितना होगा 4×10⁻¹ बाई 4πε₀ इंटू ये 2×10⁻²² का स्क्वायर करेंगे तो 4×10⁻⁴, और अच्छा ये 4 कट गया, अच्छा 1/4πε₀ का वैल्यू 9×10⁻⁹, और ये 10⁻⁸, और ये ऊपर जाएगा तो +4, यानी कि 9×10⁻⁹ और -4 तो 9×10⁵ हो गया ना न्यूटन पर कूलम, यही ना होता है, या वोल्ट मीटर और वोल्ट मीटर यही लिखते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे 9×10⁹, चलिए यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया, ठीक है, यही ना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा। इसमें कोई डाउट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इसमें आसान था कि सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना था, एक गॉसियन सरफेस बनाना था, गोल बनाइएगा, ये थोड़ा सा चपटा हो गया है उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ई डी एस कॉस जीरो हो गया था, दोनों के बीच का एंगल थीटा होता था, कॉस थीटा का जगह पे जीरो, और ई चूंकि वैल्यू हर जगह कॉन्स्टेंट है, ई चेंज नहीं हो रहा है, तो जो चेंज होगा वही इसके अंदर में रहेगा, तो ई बाहर निकल गया, अंदर में डी एस खाली रह गया।
और ds को जब इंटीग्रेट किया तो ये क्या हो गया 4 पाई r स्क्वायर। इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो तो इसको देखिए हम एक स्टेप और लिख दे रहे हैं, e इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 10 टू माइनस 8 बाई एप्सिलॉन नॉट। अब 4 पाई r स्क्वायर का जगह 4 पाई लिख दिया, r का जगह पे इसका रेडियस कितना था 2, तो इसको सेंटीमीटर में बताया तो इसको मीटर में करेंगे 10 टू 10 माइनस 2 उसका स्क्वायर इतना लिखे और e का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपका निकल चुका है। चलिए अब कहानी ये है, दूसरा पार्ट में ये कह रहा है कि चार्ज ऑफ 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम इज प्लेस्ड ऑन द होलोस्फेयर। यानी कि होलोस्फेयर तो ये वाला था, उस पर कितना चार्ज दे दिया गया 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। फाइंड द चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द होलोस्फेयर। तो इस होलोस्फेयर के सरफेस पे जो चार्ज डेंसिटी होगा वो क्या होगा वो वैल्यू बताना है आपको। तो देखिए सबसे पहली चीज बी पार्ट में, पहले तो ये ए पार्ट था, बी पार्ट में आपको क्या करने का था, बी पार्ट में आपको क्या करना है, हाँ कि आपको इतना चार्ज दे दिया गया है इसके सरफेस पे। तो देखिए सबसे पहला चीज, ये जो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम है ना यहाँ पे, ये चार्ज, अब ये चार्ज क्या होगा कि जितना ये चार्ज रहेगा उतना इधर वाला सरफेस में उतना ही ये चार्ज रहेगा। ये जितना ये रहना है ये इधर कितना रहेगा, जैसे इसको देखो फिर से इसका फिगर बनाते हैं एक तो, ठीक है समझिएगा अच्छा से इसको। इसमें चार्ज कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। तो ये जो पॉजिटिव प्लस 4 इंटू 10 माइनस, इसको माइनस जब इधर करेंगे हम लोग ठीक है, तो ये इसका वैल्यू क्या होगा माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम हो गया ना। ये जितना प्लस में चार्ज रहेगा उतना ही ये माइनस में चार्ज रहेगा, लेकिन इस पे टोटल चार्ज कितना है 6 प्लस 6 इंटू 10 टू माइनस 8 कूलम। तो इसमें जो टोटल चार्ज अब कितना बचेगा, इसमें टोटल चार्ज होना चाहिए प्लस 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। ठीक है, कहे कि जब 6 जब 10 इंटू 10 माइनस 8 कूलम और माइनस 4 इंटू 10 माइनस 8 कितना हुआ 6 इंटू 10 माइनस 8 कूलम, तो यही 6 इंटू 10 टू माइनस 8 ही कूलम ना इसमें आगे पीछे होकर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इतना ही चार्ज ना इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा इस सरफेस पर, इधर रहे चाहे इधर रहे। अब इस पे प्लस 4 इंटू 10 माइनस 8 इसको माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 रहना जरूरी है ठीक है, और जब इस पे इतना रहेगा तो ये वाला टोटल कितना आ जाएगा प्लस 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम इसमें टोटल चार्ज कितना दिए 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ठीक है। अच्छा यहाँ पे मान लीजिए कि ये चार्ज हम लोग कितना है, इतना तो रहना ही रहना है, तो इस इधर हमको पता नहीं है कितना चार्ज है, ये वाला चार्ज मान लीजिए x का वैल्यू आया है, इसको हम चार्ज यहाँ कितना मान लेते हैं x रहेगा। तो देखिए टोटल चार्ज पहले कितना रहेगा माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 और इधर कितना रहेगा प्लस एक्स, आइए टोटल चार्ज दोनों मिला है कितना होना चाहिए था 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 रहना चाहिए था, आ रहा है बात समझ में। तो ये x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 और ये वाला उधर चल जाएगा तो प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 यानी कि ये 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 यानी x का वैल्यू वही आया 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। ये आ गया आपको चार्ज। अब बोल रहा है फाइंड द चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द होलो स्फीयर। तो चार्ज डेंसिटी जो होगा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा कहेंगे ठीक है, तो ये सिग्मा का जो वैल्यू होगा चार्ज बाय सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ठीक है, और चार्ज इसका कितना हुआ 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 और सरफेस एरिया इसका कितना हुआ
सरफेस एरिया सर कितना होगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर होता है, तो 4 पाई और x इसका वैल्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर है ना, देखिए 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 10⁻²² का स्क्वायर, ठीक है। चलिए उधर हम इसको कैलकुलेट कर दे रहे हैं, देखते हैं इसको, इसका वैल्यू कितना आता है, 10 × 10⁻¹ बाय 4 π × 5 × 10⁻²² का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁷ बाय 4 π × 25 × 10⁻⁴, तो ये कितना हो गया, 10⁻⁷ + 4 बाय 25 × 4 = 100 π। चलिए इधर से भी होगा, 10⁻⁷ क्या होगा, −7 + 4 − 3, और 10 का स्क्वायर का ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ +2 था ऊपर जाएगा तो −2 बाई पाई, यानी कि 10⁻⁵ बाई पाई, ठीक है, 10⁻⁵ बाई पाई, ये आपका क्या हो गया, चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना आ रहा है इसका आंसर, ये आएगा 3.18 × 10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा ये चार्ज पर यूनिट एरिया है, सरफेस एरिया है, यानी कूलम पर मीटर स्क्वायर। आंसर आया 3.18 × 10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिएगा, देख लीजिए इसको, चलिए इसको आगे बढ़ेंगे हम लोग, और एक क्वेश्चन हम लोग और बनाएंगे अभी। फिगर shows 3 concentric thin spherical cell A, B and C of रेडी छोटा ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। चलिए द सेल ए एंड सी आर गिवन charges q and minus q respectively, ठीक है। and the cell b is अर्थर्ड, ठीक है। फाइंड द चार्ज जिस अपियरिंग ऑन द सर्फेसेस ऑफ बी एंड सी, ठीक है। ठीक है, इसमें फिगर इम्पोर्टेंट है, पहले फिगर इसको बनाते हैं। एक ऐसा स्फीयर है, ठीक है, फिगर उसको थोड़ा उधर हम बना देते हैं, ठीक है, उसका उधर फिगर बनाते हैं, मेरे लिए आसानी होगा।
ये है ए, ये है बी, ये है सी। बी स्फीयर को हम लोग क्या कर दिए हैं, अर्थ कर दिए हैं, अर्थिंग कर दिए हैं उसका। इसका रेडियस है ए, इसका रेडियस है बी, और इसका रेडियस है सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं अच्छे से क्या कह रहा है ये। ठीक है, देखिए सबसे पहले कि थ्री कॉन्सेंट्रिक थिन स्फेरिकल सेल है ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी तीन स्फेरिकल सेल दिख रहा है, ए सबसे छोटा, उसके बाद बी और उसके बाद सी, और सबका रेडियस ए बी और सी है तीनों का। द सेल ए एंड सी आर गिवेन चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ए और सी को चार्ज हम कितना दे रहे हैं, ए को दे रहे हैं प्लस क्यू चार्ज, और किसको, सी को दे रहे हैं चार्ज माइनस क्यू। एंड द सेल बी इज अर्थ, और बी के लिए कहा जा रहा है कि उसका अर्थिंग कर दिए हैं। ठीक है, फाइंड द चार्जेस अपियरिंग ऑन द सर्फेसेस ऑफ बी एंड सी, यानी कि बी के सरफेस पे और सी के सरफेस पे कितना चार्ज आता है उसको आपको बताने का है। ठीक है, कैसे हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको, एक फिगर इसका फिर से बनाते हैं, इधर साइड में, इधर साइड बनाते हैं। ये वाला तो फिगर है ही, अब इसमें कुछ कुछ हम चेंज करेंगे। ठीक है, ये वाला तो अर्थिंग था ही इसका, इसका ए था ही, बी था और सी था। ठीक है, ये ए बी और सी तो था। अब क्या है कि हम इसको ए को कितना चार्ज दे रहे हैं, सेल ए एंड सी गिवर चार्ज क्यू एंड माइनस क्यू, तो ए को चार्ज दे रहे हैं हम लोग प्लस क्यू, और सी को कितना चार्ज दे रहे हैं माइनस क्यू। इसका टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज इसका कितना होगा माइनस क्यू। ठीक है, ये सी का, ये लास्ट का, और इसको कितना टोटल चार्ज इसका यहां पे क्यू। ठीक है, अब देखिए करते क्या हैं कि ये क्यू चार्ज है, ठीक है, ये क्यू चार्ज है, तो ये वाला जो चार्ज होगा, हम बताए थे कि ये क्यू चार्ज रहेगा तो इधर वाला को नेगेटिव चार्ज कर देगा, तो ये वाला चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, इसका देखिए अर्थिंग कर दिए हैं तो इसका पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल जीरो का होने का मतलब टोटल चार्ज जीरो होना ये नहीं होता है। ठीक है, पोटेंशियल जीरो होने का मतलब है पोटेंशियल जीरो होना, पोटेंशियल का वैल्यू जब हम इस पे जोड़ेंगे ना हर तरफ से तो उसका वैल्यू जीरो होना चाहिए, चार्ज जीरो होना इसका मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये प्लस क्यू चार्ज था और ये कितना चार्ज हो गया, माइनस क्यू चार्ज हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम कि प्लस क्यू और ये माइनस क्यू चार्ज, अब इस पे जो चार्ज इधर साइड में जो सरफेस पे रहेगा तो मान लीजिए क्यू डैश रहता है ये चार्ज, मान लीजिए क्यू डैश। ठीक है, अच्छा इस पे चार्ज प्लस क्यू है तो इस पे चार्ज माइनस क्यू आया, इसमें कंफ्यूजन है आप लोग को, ये वाला प्लस क्यू चार्ज है और तो इस पे जो माइनस क्यू चार्ज आएगा इस पे थोड़ा सा भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। क्यों, हम समझा देते हैं एक बार फिर से कि जैसे मान लीजिए कि ये वाला एक स्फेयर है ना, मोटा स्फेयर का सेल है, तो हम लोग स्फेयर के अंदर से मान लीजिए कि हम एक लाइन अंदर से ऐसे खींचते हैं, मान लीजिए थोड़ा सा मोटा होता है ना, एक लाइन अंदर खींचते तो गॉसियन सरफेस अंदर से बना देते हैं,
तो अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता स्फीयर का, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो यानी कि चार्ज इनक्लोज्ड भी जीरो, तो इसका मतलब इसके अंदर जितना चार्ज होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। और चार्ज अंदर जीरो कब होगा, यदि इस पे प्लस क्यू चार्ज है तो इस पे माइनस क्यू चार्ज रहेगा, तभी ना अंदर चार्ज दोनों प्लस क्यू माइनस क्यू मिलकर जीरो होता। इसीलिए ना तो हम इसका प्लस क्यू रहेगा तो इसको हम लोग माइनस क्यू मान लिए हैं। अच्छा अब ये माइनस क्यू माने हैं तो इस पे चार्ज मान लीजिए कि अब कितना बचा हुआ है, प्लस क्यू डैश है इसका चार्ज, ठीक है, अर्थिंग है, लेकिन इस पे चार्ज तो जीरो नहीं हो सकता है तो इस पे प्लस क्यू डैश चार्ज है। अच्छा इस पे प्लस क्यू डैश चार्ज है तो इस पे चार्ज कितना आएगा, माइनस क्यू डैश। काहे कि अब मान लीजिए इसके ई जो मटेरियल का जो स्फेयर मतलब ये क्या कहते हैं स्फेरिकल सेल है तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, नेट चार्ज जीरो होना चाहिए, तो इसके अंदर क्या क्या चार्ज आएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू डैश माइनस क्यू डैश, तो सब मिलके क्या हो जाएगा जीरो, तो नेट चार्ज जीरो होना चाहिए ना, तो ये माइनस क्यू डैश इसका भी आ गया, ठीक है। चलिए अब माइनस क्यू डैश आ गया इसको, हाँ माइनस क्यू डैश यहाँ पर लिखते हैं इसका, कि यहां लिखते हैं इसे प्लस क्यू था तो ये क्या आ गया, माइनस क्यू, और इस पे क्या लिखे थे हम लोग, प्लस क्यू डैश, तो ये क्या आ गया था माइनस क्यू डैश, ये माइनस क्यू डैश इस पे आया। अब इस पे माइनस क्यू डैश आया और इस पे टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है आपका, कितना दिया गया है टोटल चार्ज, माइनस क्यू, इस पे माइनस क्यू चार्ज दिया गया था ना। देखिए सेल ए एंड सी आर गिवन चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, प्लस क्यू चार्ज हम इस पे दिए थे और माइनस क्यू चार्ज इस पे दिए थे, ठीक है, तो इस पे टोटल चार्ज कितना आना चाहिए, माइनस क्यू, तो इस पे माइनस क्यू कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए इस पे चार्ज एक्स है तो एक्स माइनस क्यू डैश का वैल्यू कितना आना चाहिए था, माइनस क्यू, हाँ, तो एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, क्यू डैश माइनस क्यू, तो इस पे जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, क्यू डैश माइनस क्यू, ये वाला टोटल आपका चार्ज आ गया एक्स का वैल्यू। समझ में आ रहा है कि इस पे जो चार्ज का वैल्यू कितना आ गया, क्यू डैश माइनस क्यू, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हमको अब बताना है, ऐसे तो डिस्ट्रीब्यूट कर लिए लेकिन क्यू डैश का वैल्यू तो पता नहीं है, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फाइंड द चार्जेस अपीयरिंग ऑन द सरफेस बी एंड सी, यानी कि बी सरफेस पे क्यू डैश का वैल्यू बताना है आपको और सी पे आपको क्यू डैश माइनस क्यू का वैल्यू बताना है, तो इस दोनों में आपको क्यू डैश निकाल लीजिएगा तो क्यू डैश माइनस क्यू भी निकल जाएगा और क्यू डैश भी निकल जाएगा उसका, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए अब हम यूज करेंगे कि इसका पोटेंशियल जीरो है, बी मतलब बी जो सेल है उसका पोटेंशियल जीरो है, तो उसका पोटेंशियल जीरो जो है अंदर वाले चार्ज के कारण और बाहर वाले चार्ज के कारण, सब पोटेंशियल इस पे हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, और नेट पोटेंशियल इसका जीरो करते हैं, उससे मेरा कंक्लूजन आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं इसमें, सिंस द पोटेंशियल ऑफ द सेल बी is potential of the cell B is zero as it is connected to earth, ठीक है, earth से हम connected हैं इसीलिए इसका potential क्या हो जाएगा, ऐसे भी zero हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसमें इसका earth से connected होने का इसका potential तो हो गया इसका zero। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, तो कैसे किया जाए इसको, पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू वी बी, वी बी इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एट ए ड्यू टू माइनस क्यू एट बी, माइनस क्यू के कारण जो पोटेंशियल होगा इस पे वो प्लस पोटेंशियल ड्यू टू क्यू डैश
क्यू डैश एट बी प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू डैश ऑन सी प्लस पोटेंशियल ड्यू टू क्यू डैश माइनस क्यू ना बचा है क्यू डैश माइनस क्यू ऑन सी एक सी में अंदर साइड में माइनस क्यू डैश तो वो ले लिए और क्यू डैश माइनस क्यू बाहर में हो गया तो इस कारण भी बी पे पोटेंशियल अब बी पे अपना के कारण भी पोटेंशियल अब बी पे ए के कारण भी पोटेंशियल ये पांचों हम ले लिए यानी कि जो वी बी का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा प्लस क्यू ठीक है चलिए इसको डायरेक्टली हम लिखना चलते हैं हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं वी बी का जो वैल्यू आया पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एट ए तो इस पे जो प्लस क्यू जिसपे चार्ज है उसे का पोटेंशियल जो इस पे आएगा इसके सरफेस पे वो क्या आएगा प्लस क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां से यहां तक का इसका रेडियस कितना है वो बी फोर पाई एप्सिलॉन नॉट बी ठीक है चलिए अब उसके बाद आता है पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एट बी अच्छा उसके बाद जो आएगा माइनस क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू का रेडियस क्या है उसका भी बी है तो ये बी लिख दिए हैं अच्छा उसके बाद प्लस क्यू माइनस क्यू ठीक है चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं ये वाला प्लस क्यू डैश के कारण प्लस क्यू डैश बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट बी अच्छा माइनस क्यू डैश के कारण माइनस क्यू डैश बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ये अब माइनस क्यू डैश कहाँ पे है सी पे है तो सी अब प्लस क्यू डैश माइनस क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट सी ठीक है इसको समझ जाइए अच्छा से इसका वैल्यू क्या है जीरो है ना क्योंकि अर्थ से कनेक्टेड है ना अच्छा ये वाला वैल्यू जीरो अच्छा उसके बाद क्यू डैश बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट बी अच्छा ये माइनस क्यू डैश बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट सी और प्लस क्यू डैश बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट सी इससे आएगा तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा तो क्या बचेगा क्यू डैश बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट सी तो ये कितना हो गया Q डैश बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट बी इज इक्वल टू क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट सी फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया ठीक है तो Q डैश का वैल्यू जो आया वो क्या आया Q B बाय सी ये बात समझ में आ रहा है कि Q डैश का जो वैल्यू आया ये Q डैश का वैल्यू वो क्या आया क्यू बी बाई सी ये आया आपका इसका वैल्यू ठीक है अब देखिए हमको क्या निकालना था फाइंड द चार्जेस अपीयरिंग ऑन द सरफेस बी एंड सी तो बी पे जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा प्लस क्यू डैश और सी पे क्या रहेगा क्यू डैश माइनस क्यू चलिए इसको निकालते हैं इसको मिटा रहे हैं ये वाला देखिए सरफेस चार्ज ऑन बी इज इक्वल टू क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू बी बाई सी और सरफेस चार्ज ऑन सी इज इक्वल टू क्या है इसका टोटल चार्ज क्यू डैश माइनस क्यू दिख रहा है इसको हम लोग Q डैश माइनस क्यू लिख दिए Q डैश का वैल्यू क्यू बी बाई सी और माइनस Q का वैल्यू माइनस Q का Q ये क्या हो जाएगा Q B बाई सी माइनस वन ठीक है तो चार्ज ऑन B चार्ज ऑन C ये क्या हो गया चार्ज ऑन B ठीक है
इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका वैल्यू कितना आया क्यू बी वाई सी माइनस वन, इसका कितना आया प्लस क्यू डैश का क्यू बी बाई सी, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए इसको, उसके बाद हम लोग फिर इसको आगे बढ़ते हैं। तो अगले सवाल की तरफ हम लोग अब बढ़ जाते हैं, सवाल लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। ए पार्टिकल ऑफ मास 5 × 10⁻⁶ ग्राम इज केप्ट ओवर ए, इज केप्ट ओवर ए लार्ज हॉरिजेंटल सीट, लार्ज हॉरिजेंटल सीट ऑफ चार्ज ऑफ डेंसिटी, ऑफ चार्ज ऑफ डेंसिटी 4 × 10⁻⁶, 4 × 10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। व्हाट चार्ज should be given to the given to this should be given to this particle so that if released comma it does not falls down, it does not falls down, ठीक है। how many electrons are to be removed to give this charge how much mass is decreased due to the removal of these electrons, ठीक है। चलिए एक बार हम सवाल को पढ़ेंगे अच्छे से कि कोई गलती ना हो जाए। ए पार्टिकल ऑफ मास 5 × 10⁻⁶ ग्राम इज केप्ट ओवर ए लार्ज हॉरिजेंटल सीट ऑफ चार्ज ऑफ डेंसिटी 4 × 10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। व्हाट चार्ज शुड बी गिवन टू दिस पार्टिकल, कितना चार्ज दिया जाए इस पार्टिकल को, सो दैट इफ रिलीज इट डज नॉट फॉल्स डाउन, जब उसको छोड़ा जाए तो वो नीचे की तरफ न गिरे। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी रिमूव्ड टू गिव दिस चार्ज, और उसके बाद हाउ मच मास इज डिक्रीज ड्यू टू द रिमूवल ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक प्लेट है आपके पास, सीट है, और इस पॉइंट पे पार्टिकल, ठीक है। समझ में आ रहा है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक मास है इतना ग्राम का यहाँ रखा हुआ है, पकड़ के कोई इसको
इसको होल्ड करके पकड़े हुए है, ठीक है। तो जब होल्ड करके पकड़े हुए है इसको, तब तक तो रुका हुआ रहेगा, तब तक तो नीचे नहीं गिरेगा। और उसमें जो प्लेट जो सामने है यहाँ पे आपका, उसका चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी आपका दिया हुआ है 4×10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। व्हाट चार्ज शुड बी गिवन टू दिस पार्टिकल, कितना चार्ज दिया जाए इस पार्टिकल को, इस पार्टिकल को, सो दैट इफ रिलीज्ड, यदि उसको छोड़ा जाए, इट डज नॉट फॉल्स डाउन, ये नीचे न गिरे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी रिमूव टू गिव दिस चार्ज, कितना इलेक्ट्रॉन इसे निकाला जाए इतना चार्ज देने के लिए, एंड हाउ मच मास इज डिक्रीज ड्यू टू द रिमूवल ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स, और कितना मास इससे निकलेगा, उतना इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब, ठीक है। चलिए इसको देखिए सवाल को अच्छे से, और एक बार सोचिए कि कैसे बनना चाहिए ये सवाल, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पार्टिकल पे जो लग रहा है वो, और उससे इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, ये सीट दिया हुआ है ना, जैसे ही सीट दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका होगा वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको पी पॉइंट दे देते, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू द चार्ज्ड सीट इज E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और सिग्मा का वैल्यू, चलो सिग्मा का वैल्यू अभी हम रहने देते हैं, इसको बाद में डालेंगे, ठीक है। E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है 4×10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर, एप्सिलॉन का वैल्यू हमको पता है, वो डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर लगेगा, तो फोर्स जो होगा वो भी इधर ही लगेगा, कि ये चार्ज जो आपका है ये क्या है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो ये भी फोर्स भी जो इस पर लगेगा वो उधर ही लगेगा। अब फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू वेक्टर ई होगा कि नहीं होगा। अब क्यू का वैल्यू तो इस पर कितना चार्ज बनेगा वो तो हमको डिसाइड करना है इलेक्ट्रॉन निकाल कर, अभी तो हम इलेक्ट्रॉन निकाले नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना तो नेगेटिव चार्ज निकल जाएगा और ये बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज बनने के कारण इस पर फोर्स ऊपर साइड में लगेगा, तो वो फोर्स का वैल्यू मान लीजिए उस पर चार्ज क्यू रहता है निकालने के बाद, और ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता ही है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये एफ का वैल्यू हो गया, समझ में आ रहा है, क्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये फोर्स आप पे लगेगा यहाँ पे, अच्छा ये पार्टिकल पे ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के कारण, अब इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इसके मास के कारण जो कि नीचे लगेगा, और वही बैलेंस करेगा ये वाला फोर्स जो ऊपर लग रहा है, ठीक है। दोनों जब बैलेंस हो जाएगा तो ये हवा ही में रहेगा फिर, तो ये जो नीचे जो फोर्स लगेगा, तो ये जो फोर्स जो हुआ वो अपवार्ड इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। अब चलिए ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ बराबर एम जी, मास का वैल्यू कितना है, मास का वैल्यू है 5×10⁻⁶ इंटू जी, इसको भी रख देते हैं इसी तरीका से, ठीक है। इसको भी हम अभी वैल्यू नहीं लिखेंगे, लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है, ज़्यादा आसान। और ये एफ बराबर जो एम जी लगेगा वो क्या लगेगा, डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, समझ में आ रहा है बात। तो ये दोनों फोर्स को बराबर होना चाहिए तभी ये हवा में रुका हुआ रहेगा,
तो चलिए देखते हैं, फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इक्वल टू फोर्स बाय ग्रेविटेशन, ठीक है, सो दैट इट डज नॉट फॉल्स डाउन, ठीक है। तो फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया है मेरे पास, क्यू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू फोर्स बाय ग्रेविटेशन कितना आया है एम जी, क्यू इज इक्वल टू टू एम जी एप्सिलॉन नॉट बाय सिग्मा, यानी टू, और एम का वैल्यू कितना है 5 × 10⁻⁶, और जी का वैल्यू 9.8, अब साइलेंट नॉट का वैल्यू 8.85 × 10⁻¹2, और सिग्मा का वैल्यू 4 × 10⁻⁶। देखिए सब का हमको यूनिट लिखना पड़ेगा, तो यूनिट भी एक जगह लिखा जाए। पहले 2 है तो 2 का तो कोई यूनिट, मास का जो होगा वो किलोग्राम में, अच्छा जी का जो क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब साइलेंट नॉट का वैल्यू क्या होता है 8.85 × 10⁻¹2 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा नीचे जो सिग्मा है वो क्या है उसका वैल्यू कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर तो खत्म, एक कूलम और ये वाला कूलम खत्म, ठीक है। तो मेरे पास जो यूनिट आया है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये क्या आया कूलम बाय न्यूटन, और न्यूटन को क्या लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये किलोग्राम और मीटर तो दोनों खत्म हो गया, ऊपर सेकंड स्क्वायर जाएगा तो ये भी दोनों कट गया, यानी कि सिर्फ कूलम आया, और इसका कूलम और क्यू जो है आपका चार्ज ही होना चाहिए, तो उसका ये वैल्यू कूलम ही में आना चाहिए। तो इसका यूनिट हम लोग को इसको कैलकुलेट करके निकालना होगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं इसको, सबसे पहले क्या करते हैं ये सब को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9.8 × 8.85 / 4, 21.68 × 10⁻¹⁶ −12, और −6 जब ऊपर जाएगा, अच्छा ये −6 और −6 को हटा ही देते हैं, इतना झंझट क्यों रखना, 1 और ये कितना हुआ −12, तो ये −11 आ जाएगा, और इसको हम लोग 2.168 कर देंगे, तो ये −11 आया था ना, तो ये कितना हो जाएगा −10 कूलम, स्टेन कूलम आएगा। कहीं पे देखिए तो गड़बड़ हुआ है क्या कुछ, क्यू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट 4 × 10, एक और कैलकुलेशन कहीं पे देख लेते हैं कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ हो, क्यू इंटू 2.26, चलिए देख लेते हैं इसको एक बार, चलिए इसको चेक कर लेते हैं, एक सेकंड, 2.26 × 10⁻¹³ इसका आंसर आना चाहिए था, कहीं पे कैलकुलेशन में कहीं पे हो रहा है जोड़ घटाव में हो रहा होगा कहीं पे, देखिए क्यू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट ये तो सही है सिग्मा, ठीक है, एफ इजिकल टू क्यू ई, ई का वैल्यू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन, तो क्यू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट ये सही है, क्यू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एम जी हो जाना चाहिए था, मास मास का वैल्यू ठीक है एम जी, अच्छा तो टू क्यू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एम जी, यानी कि क्यू इज इक्वल टू टू एम जी एप्सिलॉन नॉट बाय सिग्मा, ठीक है। तो टू और एम के साथ हम एम के जगह पे क्या लिख दिए
मास कितना है 5 × 10⁻⁶, ये सही है ना कि गड़बड़ है इसका आंसर? 5 × 10⁻⁶ है ना, हाँ ये सही है, 5 × 10⁻⁶। अच्छा, ये ग्राम में था ना, ये ग्राम में था, तो इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे ना, तो ये किलोग्राम में जब चेंज करेंगे तो इससे 10⁻³ और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिखते हैं, रुक जाइए, 5 × 10⁻⁶, और ये ग्राम में था, इसको किलोग्राम में किया तो −3, ठीक है, ये 10⁻⁶, 10⁻⁶ हो गया, तो 10⁻³ और आया, तो 10⁻³ आया था, तो यहाँ पे आ गया 15 − 1 = 14, तो ये हो गया 13, ये आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका हो गया टोटल चार्ज, ठीक है, ये आपका चार्ज का वैल्यू हो गया जो इस पार्टिकल में होना चाहिए। इस पार्टिकल में जो चार्ज इतना होगा तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा था, नीचे साइड में mg, इस दोनों को ये वाला पार्टिकल बैलेंस कर लेगा, ठीक है, और ये हवा में रहेगा, ठीक है। अब क्या है कि चार्ज आपका इतना आ गया, अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, व्हाट चार्ज शुड बी गिवन टू पार्टिकल सो दैट इफ रिलीज डज नॉट फॉल्स डाउन, तो क्यू का तो वैल्यू निकल चुका, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी रिमूव टू गिव दिस चार्ज, कितना इलेक्ट्रॉन इससे निकाले, तो देखिए इस पे जो पॉजिटिव चार्ज ये क्यू इतना आया है, उतना ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज निकला है तभी आया है, तो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में नेगेटिव चार्ज आपको बाहर निकालना पड़ेगा तब इस पे पॉजिटिव चार्ज इतना आ जाएगा, तो जितना चार्ज निकलेगा उतना ही चार्ज आएगा, तो मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज निकला तो प्लस क्यू चार्ज इस पे आ गया, ठीक है, तो इसी क्यू चार्ज से हम लोग इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डिवाइड कर देंगे तो उससे पता चल जाएगा कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकला है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा मिटाएंगे हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी रिमूव्ड टू गिव चार्ज, −2.168 × 10⁻³ कूलम इज, कितना है, कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इज इक्वल टू 2.168 × 10⁻³ बाई चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, आइए टू पॉइंट इसको ऐसे लिखिए, टोटल चार्ज बाय चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज बाय चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टोटल चार्ज का वैल्यू कितना है 2.168 × 10⁻³ बाय चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, कितना है आपका 1.6 × 10⁻¹⁹, समझ में आ रहा है बात, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है, चलिए 2.168 डिवाइडेड बाय 1.6, 1.35 × 10⁻³ +19, यानी कि 1.35 × 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन्स, ये इसका आंसर हुआ, इतना इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए, ठीक है। चलिए अब तीसरा पार्ट में आ जाते हैं, इसके क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में वो क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन्स तो निकल चुका, कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, हाउ मच मास इज डिक्रीज्ड ड्यू टू द रिमूवल ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, कितना मास इससे डिक्रीज होगा जब हम इस इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे तब, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, ये देखिए ये पहला पार्ट का आंसर था, उसमें लिख दीजिएगा ए पार्ट का आंसर था वो, फिर उसके बाद आ गया बी पार्ट का आंसर, अब तीसरा पार्ट में आ जाते हैं कि कितना मास उससे निकलेगा, तो लिख देते हैं मास ऑफ
वन इलेक्ट्रॉन इज 9.109 × 10⁻³ किलोग्राम, इसीलिए मास ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 9.109 × 10⁻³ गुना 1.35 × 10⁶, ठीक है, किलोग्राम। चलिए तो इसको भी मल्टीप्लाई किया जाए, नाइन पॉइंट वन ज़ीरो नाइन गुना 1.35, 12.3 × 10⁻⁵ कितना हो गया, 25, ठीक है, किलोग्राम। ये 12.3 लिखे ना, या इसको 1.23 लिखिएगा, × 10⁻²⁴ किलोग्राम, ये हो गया मास, ठीक है। चलिए इसको देखिए तो अच्छे से, देखिए इसको अच्छे से कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले क्या था कि इसमें हमको फोर्स निकालना था, तो फोर्स तो निकल चुका था कि जितना ऊपर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, उतना ही नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा आपका, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है कि कितना निकाले कि उतना चार्ज आ जाए, जो चार्ज हम अभी निकाले हैं, ठीक है, यहाँ ए वाला पार्ट में। तो उसके लिए टोटल चार्ज से चार्ज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन को डिवाइड किए तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गया इस पार्टिकल से। अच्छा, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो कितना होगा, तो इतना इलेक्ट्रॉन दिया हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का मास हमको इतना पता है, तो उससे मल्टीप्लाई किया, टोटल मास निकल गया इसका, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ये, ठीक है, इसको मिटाया जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और दूसरा सवाल लिखेंगे।